इम्तियाज़ हुसैन। आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर बसेस को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम सिस्टम बस को डिस्कस करेंगे और सिस्टम बस की डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारे पास डाटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर बसेस को डिस्कस करने से पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। जैसा कि रियल लाइफ के अंदर आप डिफरेंट बसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसका पर्पज़ क्या होता है, आपने जब एक जगह से किसी दूसरी जगह मूव करना होता है तो उस पर्पज़ के लिए आप बसेस का इस्तेमाल करती हैं। तो आप जब एक जगह से किसी दूसरी जगह के ऊपर मूव होते हैं, जब जाते हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसका रीज़न होता है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट बसेस हैं, वो बेसिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में जब कम्युनिकेट करवाना हो, जब डाटा एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करना हो, उस पर्पज़ के लिए कंप्यूटर बसेज का इस्तेमाल किया जाता होता है। तो बेसिकली जो आपके पास कंप्यूटर बसेज हैं, वो आपके पास इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं जो कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर देखते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो कनेक्ट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हैं जैसे आपके पास सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं, आईओ डिवाइसेज हैं, या जब आप सिस्टम यूनिट को ओपन करते हैं उसके अंदर आप देखते हैं नंबर ऑफ़ वायर्स जो हैं वो आपको वहाँ पर मिलती हैं, उन्होंने डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो आपस में कनेक्ट करवाया हुआ होता है। तो इसी तरह आपके पास जितने भी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स हैं, मेजर पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे जब वर्क करते हैं तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके करते हैं। इंडिविजुअल कोई काम जो है वो सेपरेटली कोई भी सिस्टम का हार्डवेयर जो है उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस पर्पज़ के लिए जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितने कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर जितने पार्ट्स हैं, उनको आपस में सक्सेसफुली जो है वो कम्युनिकेट करवाने के लिए डिफरेंट बसेज का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली कम्युनिकेशन लेआउट्स भी आप इसको कह सकते हैं, ये कम्युनिकेशन पाथवेज भी आप इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वेज भी आप इसको कह सकते होते हैं, जिसके थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाया जाता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाया जाता है। तो इस पर्पज़ के लिए जो हमारे पास मेन बस है वो हम कहते हैं हमारे पास सिस्टम बस है, और फिर फर्दर जो है वो सिस्टम बस को डिवाइड किया जाता है डाटा बस के अंदर, एड्रेस बस और कंट्रोल बस के अंदर जो है हम इसको फर्दर जो है वो डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कंप्यूटर बसेस जो हैं वो ओवरऑल क्या होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो बस जो है वो बेसिकली आपके पास कम्युनिकेशन पाथवे है, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए उसका हम इस्तेमाल करते होते हैं। जैसे आपके पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो आप कहते हैं, अगर हम एक्सटर्नली देखें तो आपके पास जो सिस्टम यूनिट और डिस्प्ले डिवाइस को आप देखें, किसी ना किसी वायर के थ्रू जो है आपने उसको आपस में कनेक्ट करवाया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं आपके पास एक्सटर्नली आपके पास माउस अवेलेबल है, एक्सटर्नली आप देख सकते हैं आपके पास कीबोर्ड जो है अवेलेबल है। आपने जब आपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना होता है, उसको इनपुट देनी होती है, तो आप विद द हेल्प ऑफ माउस और कीबोर्ड देते हैं, और आपने उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बस जो है आपने उसके साथ उसको अटैच किया हुआ होता है। तो बेसिकली जो आपके पास कंप्यूटर बसेज हैं, ये सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शंस हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट हार्डवेयर्स हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, उनको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए आप इन फिजिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको कंप्यूटर बसेज जो हैं वो प्रोवाइड करती होती हैं। तो कंप्यूटर बसेज जो हैं वो कम्युनिकेशन पाथ में हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस यूज होती हैं। कंप्यूटर बसेज की जो विड्थ होती है वो कुछ की कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। अगर विड्थ जो है उनकी कम होगी तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, वो कम होती हैं। अगर उसके अंदर विड्थ ज़्यादा होती है तो कम्युनिकेशन लाइंस भी ज़्यादा होती हैं, डाटा भी उसके अंदर ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। तो हर लाइन जो है वो कैपेबल होती है डाटा को ट्रांसमिट करने की, जीरो और वन के फॉर्म के अंदर जो आपके पास डाटा मौजूद होता है, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सारा का सारा जो वर्क करते हैं वो बैटरी नंबर्स के ऊपर जो है वो वर्क करते होते हैं। तो कंप्यूटर बसेज जो हैं वो बेसिकली आपके पास जितने भी आपके हार्डवेयर हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, चाहे आपके पास जो एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं कंप्यूटर सिस्टम के, या आपके कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल हार्डवेयर जो कि आपके पास आप कह सकते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं, तो आप देखें वहाँ पर अगर उसको ओपन करें तो आपको नंबर ऑफ़ लाइन्स वहाँ पर नज़र आती हैं, और वो नंबर ऑफ़ लाइन्स जो हैं आप वहाँ पर उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में जो है वो कनेक्ट करवाने के लिए वहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर बसेस के अंदर जो मेजर टाइप है वो हमारे पास सिस्टम बस है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्यूटर बसेस के अंदर सिस्टम बस जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की जो मेजर पार्ट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं,
उसको जो है वो कनेक्ट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम बसेस का। जैसे आपके पास सीपीयू है, मेमोरी है, आपके पास आईओ डिवाइसेस हैं, इनको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए, इनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए आप सिस्टम बसेस का इस्तेमाल करते हुए देख रहे होते हैं। तो सिस्टम बसेस के अंदर जो है वो डिफरेंट और टाइप्स आ जाती हैं, जैसे डाटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। तो इनके फंक्शंस, इनके यूजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, हम अभी लेक्चर के अंदर इसको मज़ीद डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास सिस्टम बस कौन सी है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे जो मेजर कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के, प्रोसेसर है, मेमोरी है, आईओ डिवाइसेस हैं, उनको कनेक्ट करवाने के लिए जो है वो सिस्टम बस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिस्टम बस टाइप जो है वो मोस्टली 50 to 100 जो है वो सेपरेट लाइंस के ऊपर कंसिस्ट करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके पास बसेज हैं उनकी विड्थ होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की ज़्यादा है। अगर विड्थ ज़्यादा है सिस्टम बस है या कोई भी बस है तो डेफिनेटली उसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस भी ज़्यादा होती हैं, और डाटा जो आपका ट्रांसफ़र होता है वो लाइंस के ऊपर होता है, डाटा ट्रांसमिट जो है वो थ्रू लाइंस होता है। तो जितनी विड्थ उसकी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है आप वहाँ से डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और हर लाइन जो है वो कैपेबल है कि वो डिफरेंट फंक्शंस, पार्टिकुलर फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करने के लिए उसका यूज किया जाता होता है। तो सिस्टम बस को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के मेजर पार्ट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए जो है वो सिस्टम बसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिस्टम बस को फर्दर जो है वो डिवाइड किया जाता है डाटा बस के अंदर, एड्रेस बस के अंदर और कंट्रोल बस के अंदर इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास डाटा बस जो है वो क्या है। बेसिकली डाटा बस जो है वो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब आपने डाटा को ट्रेवल करवाना होता है तो हम कहते हैं कि डाटा बस जो है वो उसको आप कह सकते हैं जस्ट लाइक अ हाईवे है, ठीक है, जिसके अंदर आप डाटा को जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटरनली जो है वो ट्रेवल करवाने के लिए इसका इस्तेमाल करते होते हैं। तो डाटा, क्योंकि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दो इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सीपीयू और मेमोरी जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट कंसीडर किए जाते होते हैं। जितनी वर्किंग होती है, जितने कम्युनिकेशन होती है वो इन दो कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो घूमती है। सीपीयू जो है वो बेसिकली सारे प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है, और जो मेन मेमोरी होती है जितनी भी वर्किंग होती है वो मेन मेमोरी में आपके पास प्रोसेसेस जाते हैं, और सीपीयू जो है वो बेसिकली उनको वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करता है। ये सारी चीज़ें जो है हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। तो जो डाटा बसेज हैं बेसिकली वो कनेक्ट करवाती हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स को CPU के साथ और मेन मेमोरी के साथ, क्योंकि किसी ना किसी वे के साथ जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो CPU और मेमोरी के साथ किसी ना किसी वे से जो है वो कनेक्ट होते हैं। क्योंकि वर्किंग जितनी भी है आपके कंप्यूटर सिस्टम की वो सारी की सारी वर्किंग को डील जो है वो ये दो कंपोनेंट कर रहे होते हैं, और जो परफॉर्मेंस है वो इन्हीं दो कंपोनेंट की बेस के ऊपर ही आपके कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो या तो इंक्रीज होती है या वो डिक्रीज होती है। तो डेटा बसेज जो है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि उसकी जो ट्रांसमिशन है, डाटा की ट्रांसमिशन है, वो बेसिकली डिपेंड करती होती है जो बसेज हैं उसकी विड्थ के ऊपर। तो जो डाटा बस है वो मोस्टली 32, 64, 128 जो है वो लाइंस के ऊपर कंसिस्ट करती है, सेपरेट लाइंस इसके अंदर मौजूद होती हैं। अगर आपके पास उसकी विड्थ कम है तो डेफिनेटली 32 लाइंस उसके अंदर होंगी, अगर विड्थ ज़्यादा है तो 128 और इवन मोर इससे भी जो है वो किसी भी डाटा बस के अंदर जो है वो लाइंस हो सकती हैं जिसके थ्रू डाटा जो है वो कम्युनिकेट हो सकता है फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू एन अदर कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिकली जो है, क्योंकि आपके पास जो एक लाइन है वो डाटा वन बिट एट अ टाइम जो है वो कैरी करके लेके जाती है, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है वो किसी बस के अंदर ज़्यादा होंगी उतने ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो डाटा ट्रांसफर हो सकेगा एक टाइम के अंदर। तो डाटा बसेज जो है मोस्टली जो है इसको हम कहते हैं इन शॉर्ट ये आपके पास एज अ हाईवे है, मतलब मेजर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं, इंटरनली जितना भी डाटा आपका स्टोर होता है या जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने सीपीयू और मेमोरी के साथ जो है वो कनेक्ट होना होता है, तो उस पर्पज़ के लिए जो है वो डाटा बसेज का इस्तेमाल किया जाता है। डाटा बसेज जो है उसके अंदर यूज़ होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास डाटा बस है, उसके बाद जो है वो आपके पास एड्रेस बस आ जाती है। अब एड्रेस बस को जो है वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ लेके जाता हूँ। हमने रैम को डिस्कस किया था,
जिसको हम कहते हैं हमारे पास मेमोरी कहलाती है, मेन मेमोरी भी कहती हैं, इन शॉर्ट हम इसको मेमोरी भी कहती हैं, रैम भी कहते होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहती हैं। तो हम जब उसके आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे थे तो आपको याद होगा कि हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि जो मेन मेमोरी है वो नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है और हर सेल का जो एड्रेस होता है वो यूनिक होता है और डेटा आपका जब भी स्टोर होना होता है वो उन यूनिक सेल्स के अंदर स्टोर होता है। और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसर मौजूद होता है वो डेटा को वहाँ पे मेन मेमोरी के अंदर जाके किसी पार्टिकुलर सेल को एक्सेस करके वहाँ पे डेटा को रीड और राइट के जितने भी फर्दर जो हैं प्रोसेसेस हैं वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होती हैं। तो बेसिकली जब भी डाटा जो है वो फेच होता है किसी जगह से वो सबसे पहले मेमोरी के अंदर आता है। मेमोरी के अंदर उसको कोई पार्टिकुलर एड्रेस जो है वो एलोकेट किया जाता है और वहाँ पे आपका सीपीयू जो है उस डाटा को वहाँ से एक्सेस करता है। तो डाटा जो ट्रांसफर है मेमोरी एड्रेस टू प्रोसेसर, जहाँ पे डाटा जो है सीपीयू जो है उसको जाकर वहाँ पे प्रोसेस करता है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो एड्रेस बस ने जो है वहाँ पे परफॉर्म करनी होती है। मतलब सीपीयू और मेन मेमोरी के अंदर जो डाटा का ट्रांसफर है, जो लोकेशन है, जो डाटा ट्रांसफर होता है वो बेसिकली जो डील कर रही होती हैं वो एड्रेस बसेज होती हैं। जितना भी आपका डाटा जो है वो मेमोरी लोकेशन से रिलेटेड होता है। तो जो आपके पास जैसे अभी हम डाटा बस को डिस्कस कर रहे थे, डिपेंड करता होता है विड्थ के ऊपर। अगर उसकी विड्थ ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ जो है वो आपके डाटा जो है वहाँ पर ट्रांसफर होगा, अगर उसकी विड्थ कम है तो वो कम होगा। तो सीपीयू जो है वो सेंड करता है एड्रेस किसी भी पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंदर या आईओ पोर्ट्स हैं, इसको हम अगले लेक्चर्स के अंदर पोर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो लोकेशन से रिलेटेड, एड्रेस बस से रिलेटेड, जो लोकेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी एड्रेस बस जो है वो उनको परफॉर्म कर रही होती है। तो उसके बाद आपके पास जो कंट्रोल बस आती है, बेसिकली वो आपकी एड्रेस बस और डेटा बस दोनों की जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, जो उनकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, कंट्रोल बस बेसिकली उसको रेगुलेट करती है। खुद काम जो है डेटा की ट्रांसमिशन के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट कम है, बट ये जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डेटा बस, विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस, ये उसकी वर्किंग को रेगुलेट करती है, उसकी एक्टिविटीज को जो है ये बेसिकली कंट्रोल करती है और इस बात को इंश्योर करती है। और जो आपके पास कह सकते हैं कि स्टेटस की रिपोर्ट जो है ये प्रोवाइड करती है कि जो डाटा आपका एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट की तरफ ट्रांसफर हुआ है वो सक्सेसफुली हुआ है, वो डाटा बस ने ट्रांसफर किया है, एड्रेस बस ने कोई पार्टिकुलर लोकेशन उसको एलोकेट की है। तो काम किसने किया है? डाटा बस ने है, जो डाटा ट्रांसफर किया है उसने एक एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट के ऊपर, और एड्रेस प्रोवाइड किया है एड्रेस बस ने कि डाटा किस कंपोनेंट से जो है वो किस जगह के ऊपर मूव हुआ है। तो बेसिकली जो कंट्रोल बस है उसने इस बात को इंश्योर किया है कि जो आपका डाटा है वो एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट की तरफ सक्सेसफुली मूव हुआ है। तो इस पर्पस के लिए कंट्रोल बस जो है उस डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स को जो है वो यूज़ करती है। डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे मेमोरी राइट है, मेमोरी रीड है, आयो राइट है, आयो रीड है, ट्रांसफर एक्नॉलेज है, उसके अलावा बस रिक्वेस्ट है, बस ग्रांट है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, इंटरप्ट एक्नॉलेज है, क्लॉक है और रीसेट है। मतलब जो आपके पास कंट्रोल बस है वो सिग्नल क्या जनरेट कर सकती है, कोई मेमोरी राइट से रिलेटेड कोई भी डाटा जो है वो थ्रू डाटा बस जो है वो कोई राइट करना है किसी भी एड्रेस लोकेशन के ऊपर, या डाटा को रीड करना है, या आपके पास आईओ रीड है, मतलब जो आपके पास आप क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के साथ जब भी इंटरेक्ट करते हैं आप विद द हेल्प ऑफ आईओ डिवाइसेस करते होते हैं, ठीक है। आपके आईओ डिवाइसेस जो है वो डाटा को जो है वो बेसिकली इनपुट देने के लिए या आउटपुट देने के लिए जो है इन दोनों का यूज किया जाता है। तो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, आप डाटा जो है वो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस जो है वो सिस्टम को दे रहे हैं और रिजल्ट जो है वो थ्रू आउटपुट डिवाइसेस ले रहे हैं। तो आपके इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को सिस्टम के साथ कनेक्ट किस तरह किया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ बसेस, बसेस से आपने उसको कनेक्ट करवाया। तो डाटा ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन कंपोनेंट टू एन अदर कंपोनेंट, तो उसका ट्रांसफर का एक नॉलेज भी आता है कि डाटा सक्सेसफुली ट्रांसफर हुआ है या डाटा जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर नहीं हुआ। तो डाटा रीड हुआ है, राइट हुआ है, तो आईओ डिवाइसेस जो है तो उसका एक नॉलेज भी जो है वो कंट्रोल बस जनरेट करती है कि अगर आपका प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है तो भी आपके पास उसका रिजल्ट आता है, अगर नहीं हुआ तो भी उसका आपके पास रिजल्ट आता है। तो कंट्रोल बस के अलावा, उसके अलावा बस ग्रांट है कि आपने बसेस का यूज क्योंकि कर रहे होते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, आप बस की रिक्वेस्ट करते हैं फिर बस ग्रांट की जाती है, उसका भी इंडिकेशन होता है
बस की रिक्वेस्ट आई है तो भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है, कंट्रोल बस जनरेट करती है, और बस जो है अगर उसको एलोकेट कर दी जाती है तो भी जो है उस पर्पज के लिए कंट्रोल बस सिग्नल जनरेट करती है कि बस जो है उसको जो है वो एलोकेट की गई है। उसके अलावा इंटरप्ट जो है, इंटरप्ट बेसिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम सारे के सारे इंटरप्ट ड्रिवन है। इससे क्या मुराद है कि आप कंप्यूटर में इंटरप्ट जनरेट करते हैं तो कंप्यूटर आपका जो है वर्क करता है। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, आपने इंटरप्ट जनरेट किया, आपने कोई फाइल ओपन की, आपने इंटरप्ट जनरेट किया, आपने कोई वर्ड की फाइल ओपन की, आपने इंटरप्ट जनरेट किया, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं बेसिकली आप इंटरप्ट जनरेट करती हैं, अगर वो चीज़ ओपन हो जाती है, चल जाते हैं, तो इंटरप्ट जो है वो एक्नॉलेज हो जाता है। मतलब आप किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं वो फुलफिल हो जाती है, वो एक्नॉलेज हो जाता है। तो ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के प्रोसेस को जो है वो क्लॉक कहते हैं, कंट्रोल बस जो है उसको जनरेट करती है, और अगर तमाम जो है आपके पास वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, उसको दोबारा री इनिशलाइज करना है तो उस पर्पज के लिए रीसेट जो है वो सिग्नल जो है वो जनरेट किया जाता है। तो ये डिफरेंट जो है वो काम है, टास्क हैं जो बसेस करती हैं। बेसिकली जो मेजर काम है, जो टास्क परफॉर्म होते हैं, वो डाटा बस और एड्रेस बस कर रही होती है, और जो आपके पास कंट्रोल बस होती है वो बेसिकली जो है इन दोनों बसेस को जो है वो रेगुलेट कर रही होती है, इन दोनों बसेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही होती है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, के जो आपका डाटा है वो एक जगह से किसी दूसरी जगह लोकेशन के ऊपर किस तरह से मूव होना है, किस तरह से रीड होगा, किस तरह से राइट होगा, बस किस तरह से ग्रांट की जाएगी, रिक्वेस्ट किस तरह से की जाएगी, इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, इंटरप्ट निकलॉज है, तो सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं तो सिग्नल जो है ये कंट्रोल बस जो है वो इसके वहाँ पे कोऑर्डिनेट करती है, एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है, जो कि डेटा बस और आपके पास एड्रेस बस में परफॉर्म कर रही होती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं।